प्री वेडिंग पर जामनगर ना जाने पर मुझे काफी रिग्रेट हुआ, मगर याद आया कि मुझे तो बुलाया ही नहीं, तो मैं 20 लोगों के साथ सोलो ट्रिप पर निकल गया। 55 साल की बेब्स के सामने अपना 2.5 किलो का बस्ता उठा के मैंने दिखाया कि आपकी बेटी का भी मैं ऐसे ही ध्यान रख सकता हूँ। थोड़ी देर सोने का सोचा, मगर तभी एक कॉलेज जाती हुई दरिंदी लड़कियों ने इलाही मेरा जी आए नाम का भजन गाकर मेरी नींद के एल लगा दी। स्टेशन पहुंचते ही मारी एक लॉन्ग जंप क्योंकि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट, और मिले अपने जिगरी फैंस से और बोला कि चल हट मेरे फ्रेम में मत घुस। उसके बाद भूरा नाम के क्यूटी से मिले जिसने लैटिन भाषा का प्रयोग करके बोला मेरा सर खुजला नहीं तो तेरा पिछवाड़ा चबा दूंगा। स्टेशन से बाहर आकर देखा मारुति कंपनी की जी वैगन्स हमारा इंतजार कर रही थी। भूख लगने पर अपने रथ से छलांग मार के मैं उतरा एक ढाबे पर और वहां पे मुझे मिली 2000 साल पुरानी पहाड़ी डिश जिसको प्यार से आजकल लोग मैगी बुलाते। मैगी खा के मेरी फटके 84 हो गई क्योंकि मैंने देखा गॉडज़िला फिल्म का लीड एक्टर समुद्री रास्ते से भारत तक आ गया था हमला करने के लिए। वेप नाम के नशीले पदार्थ का आजकल हर कोई उपयोग कर रहा है, लेकिन हमारे पहाड़ों को इसका उपयोग करते देख मैं समझ गया कि आजकल पहाड़ भी काफी मॉडर्न हो गए। ट्रैक करते हुए फीमेल क्रिश से मिलने का मौका मिला और काफी खुशी हुई। रामगढ़ में नोबिता का घर देख के समझ आया कि वो जापान छोड़ के पहाड़ों में आ गया है अपनी गांजे की तलब बुझाने। एप्पल फार्म जाके मुझे काफी निराशा हुई क्योंकि वहां पे किसी भी पेड़ से आईफोन 15 या फिर एयरपॉड्स प्रो मैक्स नहीं लटक रहे थे। उसके बाद हमने सन को सेट होते देखा और फिर अपने आसपास के लोगों को भी सेट होते देखा। नशे में भौकलाई लड़की फोन पे किसियां दिए जा रही थी, जहां दूसरे कोने में दिल टूटा आशिक अकेले बैठ के अरिजीत के गाने सुन रहा था।